हूँ राजस्थान हॉन्टेड स्कूल की एक ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्लेस रही है, डिमांडिंग लोकेशन। चार बार एक्सप्लोर करने के बावजूद भी ये एक ऐसी लोकेशन है जो अब तक हम लोगों के लिए हल्का विषय बन गया है। तो नमस्कार मित्रों, मैं नंदन वाजपेयी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान हॉन्टेड स्कूल की, एक ऐसी जगह जो YouTube पर अब तक के सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्लेस रही है, डिमांडिंग लोकेशन रही है। और वो किस वजह से डिमांडिंग रही है उसको आगे डिफाइन करूँगा मैं। फ़िलहाल ये बता दूँ आपको कि चार बार एक्सप्लोर करने के बावजूद भी ये एक ऐसी लोकेशन है जो अब तक हम लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनकर रह गई है। तो आइए देखते हैं इसके शुरू से लेकर के अब तक का सफ़र, और ले चलते हैं आपको फिर से इसके उस पुराने फर्स्ट वीडियो से लेकर के अब तक के सफ़र पर। और हाँ, बता दूं आपको कि धैर्य रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आपको ये एनालिसिस देखना है क्लियरली, और मतलब इसमें आप जब देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है आगे, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको, वाजिब बनता, लाजमी बनता भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको ले चलते हैं इसके शुरू से लेकर के अब तक के सफर पर। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। और बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, हर जगह यही है ये देख के। और तो इतनी बड़ी सरकारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कबूतरों के काम आ रही है, इनके नाम कर दी। और आ चुका हूँ स्कूल में, वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ। और अंदर चलते हैं पहले, क्योंकि बाहर आवाज आ रही होगी आपको पीछे से, कैसे आ रही थी कैसे नहीं। पहले मैं ऊपर आराम से बैठ के और ये लाइट वाइट सेटअप कर देता हूँ, ये देख सकते हो आप। और ये वो क्लासेस हैं, देख लो आप पूरा, ये जो भूत दिखा रहा है ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक वीडियो साथ में करते हैं। जब से हमने हॉन्टेड पे थोड़ा ध्यान कम दिया है ना, एक पाकिस्तान में चैनल चल रहा है, द मोस्ट डिमांडिंग हॉन्टेड वीडियो। इसका शुरू से लेकर अब तक का जो भी सफर था वो आपने देखा। अब आगे बात करते हैं कि ये लोकेशन इतनी ज्यादा हॉन्टेड या इतनी ज्यादा डिमांडिंग लोकेशन बनकर क्यों रह गई है। तो उठाते हैं इसके एक एक पॉइंट को और समझते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये काफी डिमांडिंग बनकर के रह गई है। और आगे भी दोस्तों हो सकता है आप लोगों की डिमांड अभी फिर से होगी, तो कोई ना कोई इस पर जाएगा। मेरा काम एनालिसिस करना, वो मैं करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मैं सबसे शुरुआत के वीडियो की बात करता हूँ,
इस वीडियो में द रियल वन की टीम जो है वो फर्स्ट टाइम इस स्कूल पे हॉन्टेड स्कूल पर गई थी। उसके साथ कुछ ना कुछ गतिविधियां यहाँ पर हुई थी जो कि हम लोगों को साफ दिखाई देगी क्लिप में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिप में कि दीपक भाई और सागर भाई ये फर्स्ट टाइम जब ये स्कूल में गए थे तो पोर्ट्रेट शूट किया था इन लोगों ने, और उस पर आप देख सकते हो किस किस जगह पर क्या हुआ था इनके साथ। तो मैं तीन चार क्लिपें यहाँ पर दिखाता हूँ। एक इसको देखिए कि इस क्लिप पर दीपक भाई जो है थोड़े से चौंक गए, क्यों चौंके हैं, क्या है वहाँ पर, क्या नहीं है, कुछ तो है ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। दूसरी क्लिप आप ये देखिए, इस क्लिप में आपको दिखाई देगा कि दीपक भाई खुद ही बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा चौकन्ना हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चौकन्ना हूँ क्योंकि मुझे और समथिंग कुछ ना कुछ तो उनके साथ मतलब या उनको फील हो रहा वहाँ पर कुछ। ये नहीं कह रहा कि उनको डर लग रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसको उन लोगों ने डिफाइन नहीं किया। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के जो है मतलब इसको पूरा पूरा जो है इन लोगों ने हर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, रिव्यू किया पूरी तरीके से दोबारा जा कर के, और दोबारा इन्वेस्टिगेशन में इनके साथ क्या हुआ, दीपक भाई अकेले गए और उनके साथ होता ये है कि आधा शूट वो करते हैं और आधा शूट उनका जो है हो जाता है स्पॉइल्ड, पूरा वीडियो जो है उसका मज़ा बेकार हो जाता है। और हम और आप तो जो है इस कंटेंट का इंतज़ार करते हैं भाई कि इस स्कूल में ये एक ऐसा विषय है इस पर ऐसा क्या हुआ होगा, ये अब तक कन्फ्यूजन है, ये अब तक कसमुकस एक बन करके रह गया है। तो बात करते हैं जब दोबारा दीपक भाई यहाँ पर गए तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से देखिए कैमरा वगैरह अपना सेटअप किया और एक्सप्लोर किया उसको उतनी जगह को और दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंततः जो है वो भी एक कौतूहल बन करके रह गया विषय क्योंकि उनका वीडियो वो पूरा वहाँ शूट नहीं हो पाया या कुछ ऐसा हुआ उनके साथ। अब उनका कहना है कि मेमोरी कार्ड उनका जो है वहाँ पर ख़राब हो गया तो आधा वीडियो नहीं शूट हो पाया या जो भी हो, तो इससे आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो वहाँ है, अदरवाइज उनका आधा वीडियो शूट हुआ आधा मेमोरी कार्ड, और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम लोगों तक आज तक नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तीसरी बार द रियल वन टीम फिर से वहाँ पर पहुँचती है और फिर से वहाँ पहुँचने पर आपको दिखाई देता है, इस क्लिप में आप देख सकते हो कि उनके साथ फिर से ऐसा मतलब कुछ ऐसा ज़रूर होता है। उन लोगों ने फिलहाल पूरा एक्सप्लोर किया, पूरा इन्वेस्टिगेट किया हर तरीके से, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर वापस आ गए वो। लेकिन हम लोगों को जो है जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब हम लोगों को आज तक ना मिल पाए कि आखिर कुछ तो है वहाँ पर इसको पूरा जो है। आप लोगों ने भी डिमांड रखी कि भाई अगर K2 मीटर वगैरह हो तो उसको लेकर के जाओ। बहुत समय बाद अभी चौथी बार जो है अपने सच तिवारी वहाँ पर भाई साहब गए, और आगे देखिए अब होता क्या है। कुछ सवालात हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, उसके जवाब सच तिवारी जी देंगे या नहीं देंगे ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हम और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग से पॉइंट हैं वो, तो उसे आप देखिए और मज़े लीजिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। अगर आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे तो इसको समझने में और इस पूरे हॉन्टेड स्कूल वाले टॉपिक को समझने में जिसको वीडियो देखने के बाद भी, हालांकि वीडियो मेरे द्वारा तो नहीं वहाँ पर शूट किया गया, लेकिन बड़ा रोमांचक टॉपिक है, बड़ा ही दिलचस्प जो है एक कंटेंट है ये, तो अगर आपको रुचि वाकई में है इस टॉपिक पर तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी, कई पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि अभी तक आपके शायद माइंड में अगर आए भी होंगे तो कसमुकस में होंगे आप। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ समय पीछे से। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि इस वीडियो की जो शुरुआत, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो शूट किया गया था वो द रियल वन टीम के द्वारा शूट किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हो कि द रियल वन टीम जो थी वो दो लोगों से मिलकर के बनी थी, आज वो दोनों विपरीत स्थितियों में जो है अपना अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, और अब शायद एक भी नहीं है, अलग अलग शूट कर रहे हैं। मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तो एक्चुअली फ़ैन चला नहीं सकता, माइक मेरा ख़राब हो चुका है तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि द रियल वन के द्वारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम शूट किया गया था, और
ये वीडियो आपका जो शूट किया गया था इसकी ये फर्स्ट टाइम जो है 17 मार्च 2019 को ये इसको जो है अपलोड किया गया था। तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं हम। कहानी ये थी कि मैं अपनी यहाँ पर बात नहीं करूँगा, मैं आपको क्लिप के द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि अपनी कोई भी बात इस वीडियो में मैं करना नहीं चाहता हूँ और किसी भी तरह का क्रेडिट मैं, जैसा कि पिछली बार इस वीडियो में कहीं ना कहीं क्रेडिट खुद को भी थोड़ा बहुत देता आया हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी कोई बात यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं इस टीम की ही बात करूँगा और उन बंदों की ही बात करूँगा जो इस हॉन्टेड स्कूल को शूट करके आए। तो फर्स्ट टाइम जो ये वीडियो है 17 मार्च 2019 को अपलोड किया गया था और उसी समय का ये वीडियो भी है, शूट किया होगा उन लोगों ने। तो सागर भाई और दीपक भाई ये दोनों लोग गए थे राजस्थान हॉन्टेड स्कूल, इनके साथ कुछ गतिविधियां वहां पर ऐसी हुई थी, ऐसा आप लोगों को भी फील हुआ था। तो कई पॉइंट्स उठे थे वहां पर, ये वहां से ये स्कूल वो उन्होंने नॉर्मल वे पे, जैसे कि हर हॉन्टेड प्लेस को वो शूट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसे भी उन्होंने किया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये आगे चल करके एक इतना डिमांडिंग टॉपिक बन जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ इन लोगों के साथ हुई, ऐसा हमने आपने सबने देखा, जिसे आप क्लिप में भी यहाँ देख सकते हो। अब मैं आगे की बात करता हूँ कि उसके बाद से इस वीडियो की डिमांड बढ़ गई कि दोबारा यहाँ पर फिर से जाइए। तो उस टीम से दोबारा लोगों ने बोला कि आप लोग दोबारा यहाँ पर फिर से जाओ, इन्वेस्टिगेट फुल तरीके से करो, वो जो बाथरूम वहाँ बाथरूम वाला हिस्सा था उसे जो है प्रॉपर शूट करो, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ साउंड आया था बच्चों का। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर ये दोनों बंदे दोबारा नहीं गए, इनमें से एक बंदा गया, दीपक भाई गया। तो दीपक भाई अकेले वहाँ पर शूट करने गया, लोगों की डिमांड थी इस वजह से जाना पड़ा। अब होता क्या है कि इस स्कूल में अगर मेरा सोचना है जहाँ तक कि कुछ ना कुछ तो यार है गड़बड़ मामला, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कुछ इस तरीके की बात नहीं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि ये होगा ही होगा, मैं सोचता हूँ ऐसा हो कि कुछ ना कुछ ऐसा मेरे को फील होता वहाँ पर, आप में से कई लोगों को भी होता होगा। तो जब दोबारा गए हैं तो वहाँ उनके साथ इस स्कूल में कुछ घटनाएं फिर से इस तरीके की जो है मतलब एक्टिविटीज़ हुई है कि इनका मेमोरी कार्ड, इन्होंने आधा वीडियो शूट किया या फुल इन्होंने शूट किया होगा और इनका मेमोरी कार्ड वो करप्ट हो जाना या वो वीडियो वहाँ पर कुछ ना कुछ इनके, अब ये मेमोरी कार्ड की बात अगर बता रहे हैं मैं नहीं जानता वो सही है गलत है क्या है, हम सब ने सुना और मानने को हम लोग तैयार भी हैं। तो भाई वीडियो के लास्ट में आने का पर्पस ये है कि वीडियो ये इनकम्प्लीट है, जो वीडियो को इतना टाइम लगाया आने में वो इसलिए लगाया क्योंकि दो कैमरे से शूट हुई थी, जो आपने भी देखी है छोटे कैमरे से हमारे शूट हुई है, जो हमारा दूसरा कैमरा जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ वीडियो के अंदर बार बार, जिसके अंदर माइक लगा हुआ है, वो हमारा मेन कैमरा था, उसमें बहुत लंबी ये शूट था 40-45 मिनट का। वो क्या हुआ है, वो मेमोरी कार्ड करप्ट हो चुका है, वो मेमोरी कार्ड। लेकिन दोस्तों आप सोच करके देखो, अगर मान लेते मेमोरी कार्ड ही अगर खराब हुआ है तो दैट मीन कि कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि उसी जगह पर जाकर के मेमोरी कार्ड क्यों खराब हुआ, आधा वीडियो शूट होने के बाद ही मेमोरी कार्ड क्यों खराब हुआ। आगे बढ़ते हैं कि जब ये, हाँ मैं आपको बता दूं कि ये दोबारा जब दीपक भाई वहाँ पर गए थे तो ये वीडियो उनको, ये उन्होंने जो है ये 3 अप्रैल 2019 के आसपास की घटना है, ये 3 अप्रैल 2019 को अपलोड किया गया था। अब आगे चलते हैं कि उसके बाद जब ये वापस आ गए तो इन्होंने जो है लोगों को बताया वहाँ पर कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ भाई, मैंने वीडियो शूट किया और जो है मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, मैंने जो है हर जगह हर दुकान पर हर इंजीनियर के पास दिखा लिया लेकिन वो मेमोरी कार्ड सही नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बार बहुत जो है ज़्यादा डिमांड जब हो गई, जब लोगों का वाकई विश्वास यहाँ पे जुड़ गया इस बात से, मतलब कहीं ना कहीं संदेह जुड़ गया, विश्वास नहीं संदेह जुड़ गया कि यार समथिंग कुछ ना कुछ तो है वहाँ पर, ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ है, तो फिर द रियल वन टीम जो है बहुत समय बाद उनको फिर से बेड़ा उठाना पड़ा यहाँ पर जाने का और वो गए भी। वो जब तीसरी बार वहाँ पर द रियल वन टीम गई तो वो डेट थी आपकी 26 अगस्त 2019 को, वीडियो वो आया था, आप देख सकते हो जाकर के द रियल वन पे। ये यहाँ पर कहानी कुछ थी थोड़ी सी जो मैंने बताई कि तीन तीन बार ये वीडियो जो है शूट किया गया उस हॉन्टेड स्कूल का, आखिर इतनी डिमांड क्यों, ठीक, तो इसको समझिए। अब मैं बात करता हूँ अभी हाल ही के वीडियो में जो कि
हैशटैग सच तिवारी जी वहाँ पर गए, सागर मिस्टर सागर तिवारी जी वहाँ पर गए और उन्होंने लाजवाब मतलब मार्वलस वीडियो वहाँ पर शूट किया, बहुत अच्छा जो है उनका रिजल्ट रहा। लेकिन अब यहाँ से ये मेरा जो है कंटेंट चालू होता है कि मैं अब इस पर अपना तर्क वितर्क रखूँ, एनालिसिस करूँ। तो फिर चलते हैं, शुरुआत करते हैं, बने रहिए वीडियो पे, आपको मज़ा आने वाला है। हाँ तो भाई सागर भाई से मेरे कुछ सवाल यहाँ पर, सागर भाई से क्या मैं अपना तर्क रखता हूँ इस वीडियो पर, सवाल तो वो लाजमी है कि सागर भाई से ही होंगे ना, क्योंकि वही गए वो चौथी बार वहाँ पर। तो भाई सागर भाई, सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पर पहले आपको बता दूँ, यहाँ सागर से पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अपना एक रखता हूँ कि द रियल वन टीम और दीपक भाई से, कि दीपक भाई जब आप वहाँ पर गए थे दूसरी बार तो आपने गूगल टाइम शो किया था तो आपका नेटवर्क वहाँ पर नो सर्विस आ रहा था, बट जो अभी कल सागर भाई गए तो उनको नेटवर्क प्रॉपर मिला और उनका गूगल टाइम वहाँ पर आ गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। आप लोग नोट करते जाइए इन पॉइंटों को, बहुत मुश्किल से मैंने ये पॉइंट मैंने जो है नोटिफाई किया इनको। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा क्यों है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये ईश्वर जानता है, मैं नहीं जानता। आगे बढ़ते हैं। इस सागर भाई, इस वीडियो पे जब आपकी एंट्री हुई तो लाजवाब एंट्री हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन इस पे कुछ थोड़े थोड़े से पॉइंट हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जैसा कि लोगों का भी मानना है इस तरीके का, और भी लोग ऐसा बोल रहे हैं और मैंने भी इसको जो है कहीं ना कहीं फाइंड आउट किया है कि ऐसा हो सकता है कि वो वही होगा। तो जो टाइम है वो 21.10 और 21.17, 21:10 पे और 21:17 पे दो बार जो साउंड आई है वो साउंड किसकी है? क्या आप चाहते हैं कि मैं, अगर चाहते हैं तो प्लीज मुझे, अगर चाहते हैं तो प्लीज मुझे, किस चीज की है? अब लोगों का मत है यहाँ पर, कुछ लोगों का, और हो सकता है आप भी ऐसा सोचते हो या जो भी हो, कि ये डॉग्स बार्किंग है या रात में डॉग्स रोते हैं। तो भाई इस तरह से डॉग्स नहीं रोते हैं, ये मैंने कई बार साउंड प्ले करके देखा और मैंने कई सारे डॉग्स बार्किंग और डॉग्स साउंड रोने की, उनकी डॉग्स वीपिंग वगैरह ये सब प्ले करके देखा अपने लैपटॉप पे, और पर्टिकुलर लीड लगा करके भी देखा और विदाउट लीड भी सुना, पर उनका रोना, कुत्तों का रोना इस तरह से नहीं सुनाई दिया। उनकी वॉइस में और इस वॉइस में काफ़ी डिफरेंस है। अब दूसरा मैटर यहाँ पर बात करते हैं हम, ये भी हमारा एक पॉइंट है कि, और बहुत ही क्लियर पॉइंट है कि भाई मैं पहली बार आपसे ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक सबसे क्वेश्चन कर चुका हूँ, ये मैं कोई एलिगेशंस नहीं, इस क्वेश्चन में मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, बस ये मेरी एक जिज्ञासा है जानने की, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि कोई स्पिरिट किसी मीटर या किसी डिवाइस पे आकर के लाइट जलाए। चलिए कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मान भी लेता हूँ कि स्पिरिट्स वहाँ पर एग्जिस्ट होंगी और सिग्नल भी दे करके लाइट ब्लिंक हो सकता है उसकी स्पिरिट की वजह से वो लाइटें जो है वो ब्लिंक करी होंगी, ये तक माना जा सकता है। पर ये दिमाग में नहीं चलता भाई कि कोई स्पिरिट एग्जिस्ट उतनी लाइटें कैसे जला सकती जितनी आप मतलब उसे बोल रहे हो। आप कह रहे हो, अगर आपने कोई क्वेश्चन ये बोला कि भाई अगर आप यहाँ पर एग्जिस्ट हो तो दो लाइटें जलाओ, तो वो दो ही जला रहा है, और तीन बोला तो तीन जला रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस स्पिरिट भाई, स्पिरिट अगर कोई है वहाँ पर, कोई भी सूल है, तो अगर उसकी इस वहाँ पर प्रेजेंस है, तो प्रेजेंस से जो भी सिग्नल जो है, जो भी फ्रिक्वेंसी वो
मीटर तक जाएगी या डिवाइस तक जाएगी, हो सकता है उसकी वजह से लाइटें जो है ब्लिंक करने लगे, पर ये नहीं मैटर करता है, वो लाइटें कितनी भी ब्लिंक कर सकती है, एक दो जितनी जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी होगी, पर वो स्प्रिट को आपका क्वेश्चन वो स्प्रिट हो सकता है ये तक सुन लेती होगी आपसे कि आप ये बोल रहे हो, ये मानता हूँ मैं, ये हो सकता है स्प्रिट है, सूल है, आत्मा है, एनर्जीज है, वो सुन रही होगी आपको, ये भी मान सकता हूँ कि चलो आपने क्वेश्चन जो बोला है, आपने पूछा कि आप यहाँ पर मौजूद हो, तो उसने ये चीज़ सुनी, ये मान सकता हूँ मैं, और ये भी सुना होगा कि आपने बोला कि दो लाइटें जलाओ, ये उसने सुना, लेकिन अब उसके बस में ये कैसे है कि वो दो ही लाइटें वहाँ पर जलाएगा, क्या उस डिवाइस के अंदर वो घुसेगा या उसे पर्टिकुलर K2 मीटर की जानकारी है उस स्प्रिट को कि भाई दो बत्ती जलानी है तो अंदर घुस के जो है पता नहीं कौन से तार मिला देगी या दो ही बत्ती जल जाएगी या तीन बत्ती जल जाएगी ETC। चलो ये एक ये कोई वो ये मेरी खोपड़ी का जो है कसमुकस था, तो ये मेरी खोपड़ी नहीं चलती ये बात, और इस सवाल के जरिए ये सिर्फ मेरा एक मतलब कसमुकस है, इसे मैं कोई एलिगेशन उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो उस K2 मीटर पे जो है वर्किंग कर रहा है और पैरानॉर्मल साइंस से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने कोर्स कर रखा है उनके लिए मेरा कोई एलिगेशंस नहीं है, पहले मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं इतना जानकार नहीं हूँ, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कुछ सिस्टम होते होंगे, कुछ ना कुछ जो भी उस कोर्सेज में आता हो, जो भी साइंस की पढ़ाई में आता हो तो वही लोग जानते होंगे, या हो सकता है आपको, अगर मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप अगर जानकार अगर इस चीज़ के बारे में कुछ तर्क दे पाओ तो अपने नेक्स्ट वीडियो में देना जरूर कि भाई वो स्प्रिट प्रॉपर उतनी लाइट कैसे जला रही जितनी आप क्वेश्चन कर रहे हो, पर मेरा सवाल ये नहीं है कि वो स्प्रिट लाइट क्यों जला रही है, ये मैं मानता हूँ कि हाँ जल सकती लाइट, अगर कोई सूल है तो वो लाइट प्रेजेंस से उसकी सिग्नल फ्रिक्वेंसी वगैरह अगर होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रिक्वेंसी है वो अगर वहाँ पर प्रेजेंस होगी तो लाइटें जलना स्वाभाविक है। चलो ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद भाई बात करते हैं कि आपने, अच्छा हाँ एक मैं पॉइंट उठाना भूल गया यहाँ पर, देखिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो उसको धैर्य रखिएगा, बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, एक यहाँ पर पॉइंट ये उठाना चाहता हूँ कि जो ये K2 मीटर होता है इस पे मैंने जो अभी तक महसूस किया है कि कोई कॉलिंग अगर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पास में आती है तो वो उसके फ्रिक्वेंसी से या उसके द्वारा जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से भी ब्लिंक करती है, और जब कोई कॉल करता है तो उस कॉल से जो फ्रिक्वेंसी निकलती है जो कि 900 मेगाहर्ट्ज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1800 से 2300 के बीच की भी हो सकती, जो भी हो, तो उसकी वजह से भी कुछ इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है और ये ब्लिंक करने लगती है, ऐसा कुछ मैंने, तो आई थिंक मैंने एक पॉइंट यहाँ पर नोट किया और आप सब गौर करना, बहुत ही बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, आई थिंक किसी ने वो पॉइंट गौर नहीं किया है इस वीडियो के, यानी कि सच तिवारी के ये हॉन्टेड वीडियो पे 16:30 पर 16:30 पर आप इसको बहुत बारीकी से सुनिए, बहुत ही बारीकी से सुनिए, लीड लगाकर हैंड फ्री लगाकर हर तरह से सुनिए, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये जो ब्लिंक एक आध बार जो ब्लिंक किया है वो हो सकता है उस कॉलिंग की वजह से किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कॉलिंग की वजह से ही ब्लिंक कर रहा हो, या उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल का कुछ अटैचमेंट है, तो ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा एक एनालिसिस है, जो भी आप समझो, ये मतलब सीधा सा सवाल है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, बाकी इसका काट करना आपका काम है, कैसे भी करो कुछ भी करो वो मैं नहीं जानता, तो करेक्ट 16:30 पर और 16:25 पर, जो 16:25 है उस पर वो कॉलिंग का, जो हम लोग जब कॉल किसी को करते हैं जो रिंग आती है, जब फोन कान पे लगा होता है हम लोग सुनते हैं जो रिंग आती है ट्रिंग ट्रिंग की, तो वो ट्रिंग ट्रिंग की जो रिंग है वो 16:25 पर भी सुनाई दे रही, लेकिन बहुत लो सुनाई दे रही, लेकिन 16:30 पर आपको बारीक से सुनेंगे तो बहुत क्लियर सुनाई देगी, और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं K2 मीटर पे इफेक्ट हो रहा है और लाइट जल रही है, और वो फोन कहीं ना कहीं आपके आसपास, आपके आपने जेब दिखाई, हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपकी जेब में है कि नहीं है, आपके कैमरामैन के पास हो सकता है, आपके हो सकता है आपने फ़ोन हटा करके कहीं रख दिया हो या जो भी हो, बट आई थिंक वो कॉल आई तो नहीं होगी ना फ़ोन पे, क्योंकि वो ट्रिंग ट्रिंग तो तभी होती ना जब कॉल हम डायल करते हैं, तो वो आप क्लियर सुनिए कि 16:30 पर वो डायल किया गया एक नंबर,
और वो ट्रिंग की आवाज पर्टिकुलर आ रही है। ये पॉइंट मैंने बहुत बारीकी से नोट किया है और इसको आप सब सुनिएगा, मजा आएगी आपको। और ये सवाल भाई वैलिड है और ये बनता है मेरा, इसका जवाब आपको देना होगा, नेक्स्ट वीडियो में दीजिएगा जरूर। एक पॉइंट और उठाते हैं हम, इस वीडियो के 15 यानी कि 15.59 इस पर एक विस्पर साउंड आता है, कुछ विस्पर फुसर फुसर, वो क्या है 15.59 पर, ये करेक्ट टाइमिंग बता रहा हूँ, विस्पर साउंड क्या है, ये कुछ खुसर फुसर हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ कहा किसी ने कि उधर देखिए या इस तरफ आइए, ऐसा कुछ बोला गया है, तो मैंने उसे नोट किया है। तो ये क्या है इसका भी आप जवाब दीजिए और ये क्यों बोला गया, अगर बोला भी गया, आई थिंक कि आपके सामने जो भी कैमरा मैन है उसने आपसे कुछ कहा है कि इधर गैलरी में देखो कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में भाई मैं बात करूंगा यहाँ पर कि 22.46, हाँ बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, आप लोग गौर करना इस वीडियो के बहुत बेहतर पॉइंट पे। ये तो मैं कहता हूँ कि यार उस स्कूल में है तो प्रेजेंस तो है कुछ ना कुछ, और मैं ये इस वीडियो आपके वीडियो पे ये सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि नहीं आप फर्जी दिखा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दावा है कि वहाँ कुछ ना कुछ है, ये मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को और मैंने ये चीज़ फील की है कई बार, वीडियो इसकी इतनी डिमांडिंग हुई है। अब बताता हूँ आपको, जहाँ पर आपका केटू मीटर रखा हुआ है उसके बगल में पिलर है, तो आपको मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, उस टाइमिंग पे आप सभी लोग गौर करिएगा 22.46, ये एग्जैक्ट टाइमिंग है और इस पे आपको ऐसे नहीं दिखेगा। मैंने जो फील किया है, एक बच्चे की जो स्पिरिट है या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी एनर्जी वहाँ पर, वो ऐसा लगा है मुझे कि कुछ एनर्जीज वहाँ पर है और आप थोड़ा सा पीछे हटे थे केटू मीटर के, और वो बगल में जब केटू मीटर का जो बगल में पिलर बना हुआ है स्कूल वाला, दीवार के बगल वाला पिलर, उस पिलर के पीछे से कोई स्पिरिट उस आके केटू मीटर को हाथ लगाने की कोशिश एकदम झटके से कर रही है और फिर वापस चली गई, ऐसा मैंने गौर किया है। बाकी ये क्या है ये नहीं मैं कह सकता। अब कोई देखिए, इसको ये मत कहिएगा कि यार वो कोई तितली थी या कोई कीड़ा था या वो कैमरे में आ गया, वो नहीं हो सकता। ये कुछ ना कुछ, ये देखिए ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये जरूर कहीं ना कहीं जो है अपनी प्रेजेंस होने का भी फील कराती है हम लोगों को, नहीं समझ में आता तो हम लोगों, और ये आप भी जानते हो कि दुनिया की तीसरी नज़र जो होती है वो इन चीज़ों को देख लेती है, वो है कैमरा। तो भाई आपको बता दूं कि 22.46 पे 0.5 के स्पीड पर या उससे भी नीचे अगर आप लगा सकते हो स्पीड, तो बहुत ही माइनर स्पीड लगा करके देखिएगा, बिल्कुल माइनर स्पीड लगा करके उस पिलर के पास से आपको वो 22.46 टाइमिंग पे कुछ स्पिरिट एक नज़र आएगी। ऐसा कुछ लगा है मेरे को कि एक सूल टाइप की आई है, उसने आपके केटू मीटर को एकदम से हाथ लगाने की कोशिश की और फिर वापस चली गई है, इसको देखिएगा, ऐसा मुझे फील हुआ है। बाकी ये कोई
मतलब तर्क, ये कोई फैक्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा यार, ये मेरा एक अपना सोचना है और मेरे को ऐसा फील हुआ है, तो मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, ये जबरदस्ती का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस वीडियो का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, 27.25 ये टाइमिंग, 27.25 पहली बार आपके किसी वीडियो पे मुझे कट नजर आया है, और सवाल यहाँ पर ये है कि ये कट किस लिए। अब दूसरा, मैं इस कट के पीछे का जो मेरे को रीजन समझ में आता वो इसलिए कि समथिंग इस टाइम पर कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ कुछ घटित हुआ, कुछ अनहोनी हुई, किसी ने आपको परेशान किया हो या जो भी हो कुछ हुआ। उसका रीजन है कि आप जब एकदम से चले हो गैलरी से, तो मीटर उठा करके चले हो गैलरी की तरफ, और 27.25 पे करेक्ट सीन कट जाता है और नया सीन ऐड हो जाता है बिना मीटर के। गैलरी की तरफ जैसे ही आप बढ़े हो, मीटर आपके हाथ में था, सीन कट हुआ और गैलरी अभी भी चालू है, मीटर गायब है हाथ से। ये क्यों? मतलब सीधा सा मतलब है कि क्या कुछ हुआ था इस वजह से वो सीन काटा आपने, या फिर ये जो भी हो इसको आप खुद ही डिफाइन करना, मेरे को इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ एक जो भी पॉइंट्स पकड़ता हूँ उनको अपने वीडियो में रखता हूँ। आगे की तरफ रखता हूँ, आगे की तरफ रखता हूँ, आगे तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस वीडियो के बारे में। और भी कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिफाई किए हैं, लेकिन उनमें इतना दम नहीं है, ये कड़वा सच है यार। एक चीज़ और बोलूँगा, एक छोटा सा पॉइंट है इस वीडियो के, एक टाइमिंग है छोटी सी, 5.18 5:18। इस टाइम पे आप म्यूट क्यों हुए थे? ऐसा क्या कहना चाहते थे कि म्यूट होना पड़ा आपको, या आपने म्यूट किया उसको, या बाय डिफॉल्ट, या मतलब वो गलती से म्यूट हुआ, क्या है? आप ग्रेवयार्ड बोल रहे थे, ये स्कूल ग्रेवयार्ड पर बना या क्या बना, इस तरह से कुछ बोल रहे थे। तो 5:18 पर आपका जो मतलब आप जो बोल रहे थे वो म्यूट हो गया, वो क्यों हुआ, क्यों म्यूट किया आपने, क्या बोलना चाह रहे थे आप, ये एक सवाल है। यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड था, सॉरी, यहाँ पे कहाँ थी, यहाँ पे कहाँ थी। तो अपने सवालों को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा और वो कोई मतलब भी नहीं बनता है। आशा करता हूँ आपको जो है ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक करोगे और प्यार दोगे भाई को, आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, देखो गर्मी में कितना पसीना बहा रहा हूँ। सो और भी अगर इसमें कुछ किसी को क्वेश्चन करने हैं या कुछ कमेंट्स करनी है, भाई एक बात और बता दूँ मैं आपको, हाँ आप लोग बहुत लोग मेरे को एक कमेंट करते हो कि भाई तू घर पर बैठ करके बकबक बकबक किया करता है तो खुद क्यों नहीं जाता बनाने, तो मैं आपको आज फिर से क्लियर कर दूं, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी क्लियर किया है कि मैं, और मैं झूठ नहीं बोलता भाई, पहली चीज, क्योंकि मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता मैं। और ये मैं मेरा मतलब जवाब ये, देखो मैं तीन ही चैनल को मानता हूं, खुली बात बता दूं,
जो मानता, मैं प्यार सभी को करता हूँ यार, सबके अपने कंटेंट हैं और वो भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी लड़ाई और मेरी लड़ाई कोई नहीं है, उनके बीच और मेरे बीच सिर्फ एक ऐसा वास्ता है जो कि दो वकीलों में होता है। वो प्रोफेशनली लड़ते हैं भाई, प्रोफेशनल लड़ते हैं, पर्सनली नहीं लड़ते। तो मैं उनसे कंटेंट पे जो है सवाल जवाब करता हूँ, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाता हूँ, उनके कंटेंट पे क्वेश्चन रखता हूँ, अपना एनालिसिस रखता हूँ उनके वीडियो पे, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, तो मैं अपनी बात कर दूँ, बहुत से लोग कहते हैं तू वहाँ पर क्यों नहीं बनाने जाता है, तेरी दम हो तो तू बना जाकर, इस तरह से मेरे को कमेंट मारते हैं। तो मैं बता दूँ भाई, पहली चीज़ कि जब मैं खुद कह रहा हूँ मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, ठीक है ना, तो हाउ कैन आई गो देयर, ठीक है ना, आप समझना मेरी बात को, कि इसे आप कोई भी नाम दे सकते हो भाई। सीधी सी बात है, मैं इन चीज़ों को जब मानता हूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ। हाँ, जा सकता हूँ, मैं भी इन्हीं लोगों की तरह जा सकता हूँ भाई। 7 बजे अपने किसी फ्रेंड को ले लिया, एक दो फ्रेंड, एक कैमरामैन उठा लिया। मैं सागर भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दीपक भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोरिंग इंडिया की बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और खुल करके बोल रहा हूँ। इनके बारे में मेरे अंदर कोई भी मैल नहीं है, जो क्वेश्चंस होते हैं मैं खुल करके बोलता हूँ। मैं बाकियों वाले हो, बाकी जो हैं, जो भी आप सब समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, जो बाकी लोग हैं, जो भी कुछ दिखा रहे हैं, उनके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा काफ़ी कुछ, ये तो मतलब नहीं है उनके बारे में। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं जा सकता भाई, मैं नहीं जा सकता। मैं 7 बजे और 6 बजे जा करके वीडियो शूट करूँ और आपको सीन कट कट करके दिखाता रहूँ कि हाँ भाई ये उधर से, अगर मेरे पीछे से कोई गाड़ी गई तो उस सीन को मैंने काट दिया और सिर्फ, और गाड़ी निकल जाने के बाद फिर अंधेरा आपको दिखा दिया, तो ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता यार। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। व्यूज़ और पैसा, गलत तरीके से कोई भी काम बहुत जल्दी सीढ़ी पे ला करके खड़ा करता है, बहुत ऊंचाई दे देता है। सही तरह से किया हुआ काम आपको पैसा भले ना दे, नहीं देता है, जाहिर सी बात है, अभी मेरे पास कोई अर्निंग नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा सम्मान यार मिल जाएगा आप लोगों का हमको तो बहुत अच्छा लगता है, प्रेम मिल जाता है। और प्रेम का ही तो भूखा होता है इंसान, समझदार जो इंसान होगा वो प्रेम का ही भूखा होता है, वो प्रेम ही चाहता है। तो मैं नहीं जा सकता भाई, मेरे को डर लगता है, खुल के बोल रहा हूँ। और मैं रात को 12-1 बजे जा करके वीडियो शूट नहीं कर सकता, मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, तो मैं कैसे शूट कर सकता हूँ आप ही बताओ। पर अपने तथ्य रखता हूँ, अब मेरे से कोई इस तरह की बात अगर करेगा तो मेरे को खराब लगेगा कि भाई मैं खुल के बोल रहा हूँ मैं नहीं जा सकता। पर अगर आप कहोगे कि उनकी तरह जाओ, तो मैं उनकी तरह भी नहीं जा सकता ना, वो 6 और 7 बजे 8 बजे जा करके वीडियो शूट कर लेते हैं और आप, मैं आपको बस इस वीडियो में नहीं बता सकता ना, वरना मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, देखो कैसे उनके पीछे ट्रैफिक चल रहा है पर्टिकुलर। अभी हम यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप एक अभी एक रेस्टोरेंट वाला, अभी हाल में भाई साहब का कोई वीडियो है अभी आया हुआ है, ठीक है, आप उस तरह के वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाते हैं, आप में से कुछ लोगों को, ठीक है। हॉन्टेड रेस्टोरेंट वो गए, K2 मीटर लेकर के भी गए, पीछे देखना उनके कितना वो चल रहा है, पीछे सारा रश चल रहा है, शहर चल रहा है पूरा। तो आप अंदाजा लगाइए, वो शाम को 6 बजने के बाद अंधेरा हो जाता है और कोई भी हॉन्टेड प्लेस होगी यार, वो जा सकते हैं वहां, मैं भी वो तो मैं भी जा सकता हूँ, ऑलरेडी मैं गया हूँ एक बंदे के साथ। तो गलती एक बार होती ना, 10 बार नहीं की जा सकती है, हो गई। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझोगे, मैं नहीं जा सकता हूँ, ये मैं खुल करके बोल रहा हूँ भाई, मैं गलत तरीके से नहीं कुछ शूट कर सकता हूँ, कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, बाइक स्टार्ट कर दूँ आपको बताइए, ठीक है, और किनारे हट जाऊँ और फिर कैमरे में सिर्फ आपको बाइक का दिखा दूँ कि स्टार्ट किसी ने कर दी, ईंटें पत्थर फेंक करके दिखा दूँ, पेड़ हिलता हुआ दिखा दूँ, उसमें मज़ा है क्या। और आपकी गलती नहीं है, आपके क्वेश्चन भी जायज है, क्योंकि आप इसलिए जायज क्वेश्चन कर रहे हो क्योंकि आपने यार सिर्फ वो चीज़ देखी जो आपको दिखाई जा रही है, उस कैमरे के पीछे का जो सच है वो आप तक पहुंच ही नहीं रहा है। और मैं यहाँ घर पर बैठ करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दूंगा कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन उनके लिए होगा जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से आप तक जो है पहुंचा रहे हैं अपना जो भी दिखाने का अंदाज है उनका। तो वो अच्छा, जाहिर सी बात है, एक बात आप समझो क्लियर कट, कि किसी भी इंसान में अगर काबिलियत होगी भूत दिखाने की, तो क्या यार हर वीडियो में वो भूत, उनके हर वीडियो, अगर भूत होते भी है मान लेते हैं,
तो यार हर वीडियो में भूत उनके नजर आता है, कोई ना कोई एनर्जी हर वीडियो में होती है, ऐसा तो नहीं होता ना। आप अभी उठाइए सस तिवारी को, ये भी तो जाता बंदा, इसके हर वीडियो में कभी भूत नजर आया है क्या? या भूत के, मैं भूत नाम नहीं दूंगा, किसी भी तरह की एनर्जी के हर वीडियो में नजर आई है? नहीं आई ना, ऐसा नहीं होता। उनका मकसद ही आपको जो है दिखाना है, ताकि आप डरो, नहीं डरोगे तो जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। सो मेरा यहीं पर ख़त्म होता, मैं ज़्यादा बात इस मामले में नहीं करना चाहता हूँ। तो होप टू सी यू अगेन अलोंग विद एन अदर कंटेंट। अभी कुछ अगर आगे समझ में आता है तो मैं फिर से आऊँगा और बनाऊँगा कुछ। कभी कभी दिमाग में कुछ फितूर से आ जाते हैं तो उनको रखना पड़ता है। तो मिलते हैं, टेक केयर और बाय।